वेलकम टू नेचुरल। क्या आप अपनी पेट की समस्याओं से परेशान हैं? या खाना खाते ही आपको बार बार दस्त की फीलिंग आती है, या एक बार जाने के बाद लगता है पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, मोशंस ठीक से नहीं हो रहे, या म्यूकस आ रही है? इन सब समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल नेचुरल लिविंग में स्वागत करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कोई भी आपके समस्या या डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगर आप पेट की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपके स्टमक में गैस बहुत बन रही है, अफारा हो रहा है, या आपको मोशन ठीक से क्लियर नहीं होते, या फिर आपको खाना खाते ही बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है और मोशन से स्मेल आ रही है, ऑल दो म्यूकस या यू नो ब्लड फॉर्म हो रहा है, तो आप संग्रहणी यानी इरिटेबल बोल सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। आज की ये रेमेडी है बलबादी चूर्ण, जिसे मैं इंग्लिश में बना चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे हिंदी में बनाने के लिए, सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। ये बलबादी चूर्ण है जो कि बहुत ही अच्छा है पेट की समस्याओं के लिए, खासतौर से जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी संग्रहणी से जूझ रहे हैं, जिन्हें कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। कोलाइटिस मतलब आपके आंतों में घाव हो जाना या आंतों में खाना ढंग से पचना नहीं, और संग्रहणी मतलब आंतों में आंतों के अंदर स्वेलिंग हो जाना, छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के कारण जो आपका स्थूल है वो भी एकदम पेंसिल के शेप में पास होना। यूजुअली जो स्थूल है वो हमेशा सॉसेज शेप में पास आउट होना चाहिए, दैट मीन्स आपकी आंतें स्वस्थ हैं, बट अगर वैसा नहीं हो रहा है, म्यूकस आ रहा है या पानी में फ्लोट कर रहा है स्थूल, फ्लश नहीं हो रहा बार बार करने से, या उसके साथ में ब्लड आ रहा है या स्मेल आ रही है, दैट मीन्स आपकी आंतें ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए रामबाण है। आयुर्वेद की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि एक दवा 100 प्रकार के रोगों को ठीक कर सकती है। अब अगर आप संग्रहणी से चाहे तो ग्रसित हो, या फिर आप नॉर्मली गैस या अपच की शिकायत हो, प्लस अगर आपको कोलाइटिस हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, जिसमें खाने आपकी आंतों में घाव के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में अम्ल क्षार जो होता है वो बनता है, जिसकी वजह से वो घाव बढ़ रहे होते हैं और आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, आपका वेट लॉस होने लगता है, प्लस अगर आप आईबीएस से भी आगे बढ़ते हैं, सीबो, आईबीएस में टाइप्स होते हैं, अगर सीबो से जूझ रहे हो या टाइप डी है आईबीएस का, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें भी ये कारगर होती है, बट इसके साथ कुछ अन्य भी आपको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है, अन्य औषधियों का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके घटक के बारे में। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट है बेल, जी हाँ, जो पेट के लिए अमृत माना जाता है, बेल जिसे बिल्ब कहते हैं, इसका जो मेन काम होता है वो आपके स्टमक को शीतलता प्रदान करके स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को हटाना होता है। साथ साथ इसमें मिला है मोचरस, भांग 25% एंड साथ साथ इसमें मिली है धनिया, सौंठ, सौंफ और कुछ अन्य, दीज आर द किंग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं इस बिलवादी चूर्ण में। अब चलिए जानते हैं इसके ये क्या क्या करता है, इसके गुण के बारे में। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये ग्राही प्रॉपर्टी का होता है, ये देख लीजिए बिलबादी चूर्ण, ये एस्ट्रिंजेंट का काम करता है हमारी बॉडी में, यानी कि कुछ लोगों को क्या होता है, जब दिक्कत होती है पेट की, या तो बहुत बार दस्त आने लग जाते हैं, लाइक दे हैव टू डू कपल ऑफ द टाइम्स, मतलब बार बार खाते ही बार बार जाना पड़ता है, खाना क्या होता है इनकी भूख भी नहीं मिटती और परेशान हो जाते हैं, आंतों को बार बार जोर लगता है, आंतें वीक होने लग जाती हैं, तो उसमें ये काम करेगा। प्लस जिन लोगों को क्या होता है, कभी तो उन्हें दस्त लगे होते हैं, डायरिया की सिचुएशन है, और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लगता है आज तो कल तो अच्छे से हुआ, आज सा पेट साफ नहीं हुआ, उन सिचुएशंस के लिए भी, क्योंकि ये आपका पेट साफ होने से मतलब मोशन को बांधेगा भी लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा, जो लूज स्टूल आप पास कर रहे हैं उसे फॉर्म करेगा लेकिन आपको साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होने देगी, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है, रेचक के गुण होते हैं ये। साथ में नेक्स्ट इसका जो गुण होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, प्लस प्लस एंटी बैक्टीरियल होता है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो जो वेस्ट है हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं, तो ये उसे ठीक करता है। प्लस ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, आपके खाने को पचाता है, एंजाइम्स अच्छी मात्रा में डेवलप करता है ताकि खाना अच्छे से पचे और शरीर उसको ग्रहण कर सके, एब्जॉर्व कर सके। देखिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी खाते रहने बट आपका पेट ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिलेंगे, ये बात अच्छे से ध्यान रखें। जब आपका पेट अच्छा होगा तो आप थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व करेगी, ब्लड में कन्वर्ट होगा वो, अदर देन दैट वो आपको ट्रबल करेगा।
अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव है, स्टिमुलेंट है, आपके बॉडी में वो खाना एब्जॉर्ब करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट एंटी फ्लैचुएंट है, जिन लोगों को म्यूकस बन रही है, बार बार गैस, अफारा, पेट ऐसा लगता है ब्लॉट कर रहा है, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करता है। कार्मेटिव है, मीन्स बहुत ही अच्छे जेंटल तरीके से आपके स्टमक को ठीक करता है। एंटी स्पाजमोटिक है, जब हमें इस तरह की दिक्कत होती है तो हमारी आंतों में स्पैजम यानी टाइटनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये उसे भी ठीक करता है। ये एंटी हेमोरियल होता है, जिसे हेमोरहैल्जिक भी बोलते हैं, मीन्स समटाइम्स आंतों में घाव की वजह से अंदर ब्लड जनरेट होने लगता है, ब्लड ब्लीडिंग होने लग जाती है इंटरनली, सो उसको भी ये ठीक करता है। और इसीलिए कुछ लोगों के मोशंस ब्लैक होते हैं, दैट मीन्स उसके साथ साथ ब्लड आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आपके सिम्टम में हो तो फौरन अपनी जांच करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसे बताएं जाकर के, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, फेटल हो सकता है आपके लिए। और ये उसके लिए भी काम करता है, ये वेरी सेफ मेडिकेशन है, बट मैं बार बार कहूँगी आप अपने को किसी लोकल डॉक्टर से जाएं, उससे जांच कराएं, उन्हें अपनी समस्या बताएं, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि बिलवादी चूर्ण काम कर जाता है, बट कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको बार बार डायरिया आ रहा है, और भी सिम्टम्स जैसे अम्ल पित्त शिकायत है, तो उसमें आपको कुछ और भी औषधि जैसे कपर्दक भस्म, मोती पिष्टि, मुक्ता शुक्ति भस्म और भी भस्म मिलानी पड़ती हैं। साथ में बहुत डायरिया है तो कुटच घनबट्टी देनी पड़ती है, फिर स्टेरॉयड एंटीबायोटिक भी लगे हुए हैं, उसके बिना काम ही नहीं चल रहा, तो कर्पूर रस दिया जाता है आयुर्वेद में, साथ साथ तत्र कल्प जिसे बोलते हैं, बार बार बैक्टीरिया ठीक नहीं हो रहा, इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन लगा है, तो तत्रकल्प पे डालते हैं लोगों को, जिसमें दही से आपको पूरा ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ दही दिया जाता है। सो ये सब कुछ आपको पंचकर्मा कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। सो ये थी इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज, ये वात कफ पित्त को भी मेंटेन करता है, ये आपके ओवरऑल स्टमक को ठीक करता है, बहुत ही अच्छा है जो भी इस तरह की दिक्कत है, और अगर लॉन्ग टाइम भी इसे ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसकी डोजेस की, इसको आधी चम्मच आप सुबह खाना खाने से पहले और शाम में भी खाना कुछ भी, मतलब नाश्ता वाश्ता करे बिना 4-5 बजे पहले ले लें, और गुनगुने पानी या सादे पानी से, किसी भी प्रकार के वाटर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपके स्टमक को अच्छा करने की क्षमता रखता है, ये बहुत ही अच्छी ड्रग है। सो ये थी ओवरऑल जानकारी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ लिखिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कॉमेंट्स। And take care, stay healthy. Bye-bye. Shabbat.